और भैया मैं आपको लिखा दूंगा जो इसका है। यार एक मिनट कैमरा मैन अब हट जा। यार छोटे कादार बंदा किराए को बड़े कादार होते हैं। ये उसको भी बात है सुधार की जाए सुधार ना किसी को और दबाने का नहीं समझ आ रही। Are you Pakistani? No, I'm an American citizen. And I've been asking for a lawyer for a week. I haven't let me speak to anybody. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये आज की वीडियो है और आज ज़ाहिर जाफर जो नूर मुकद्दम का कातिल है उसको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया, ड्यूटी जज के सामने पेश किया गया। दो दिन का रिमांड जो है वो पुलिस को मजीद मिला है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखें, गौर से देखें, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें तो यकीनी तौर पे आपका सर भी मेरे सर की तरह चकरा जाएगा। आपको हकीकत समझ आ जाएगी और आपको कुछ ताने बाने मिलेंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। एक तो इसमें बात करेंगे कि इस वीडियो में वो क्या लिंक है या आप ये कहें कि वो क्या लीड है जो मुझे, मतलब पहले ही मैं इस मामले में बड़ा परेशान था कि आया नूर को इंसाफ मिलता है या नहीं, या पाकिस्तान में यूजुअल जैसे पैसे वालों के लिए इंसाफ का मेयार दूसरा होता है, वो किशमाला तारक का बेटा हो या कोई और हो उनके लिए कुछ इंसाफ और होता है और आम गरीब के लिए कुछ और होता है। यहाँ तो दूसरी फैमिली भी तकड़ी है लेकिन इतनी तकड़ी नहीं है जितनी ज़ाहिर जाफर की फैमिली जो है वो तकड़ी है। तो एक तो इसमें बात करेंगे, मैं आपको पूरी हकीकत बताऊंगा, और दूसरा जो YouTube Facebook पे और Twitter पे एक तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ है और अजीब व गरीब किस्म के ट्वीट्स किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जी क्यों वो रातें गुजार रही थी इस तरह के मकतूला के लिए, अल्फाज के बगैर शादी की रातें गुजारती थी वो, इस तरह के जो अल्फाज है इसमें अवामी रिएक्शन भी आया है और फिर औरत मार्च को इसमें किस तरह घसीटा गया है इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो नूर मुकद्दम के कत्ल केस के मुतल्लिक बात करते हैं। तो आज जो ज़ाहिर जाफर था उसको पेश किया गया और ज़ाहिर जाफर की वीडियो हमने पेशी की, जो एक मखसूस क्लिप जो हम आपको दिखाना चाहते थे वो हमने आपको दिखाया है। सबसे पहले तो ज़ाहिर जाफर जो है वो उसने जिस बात ने मुझे हैरान किया या सर चकरा दिया, वो कहता है मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ तो मेरा वकील बात करेगा। तो भाई अब काम जो है ना वो बड़ा और तरफ चला गया है। अब अगर नूर मुकद्दम को इंसाफ चाहिए तो अब जो मुहिम है सोशल मीडिया की या जो भी है वो बड़े ऊपर लेवल पे करनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि ये तो अब यूएस सिटीजन मौसूफ निकल आए हैं और आपको पता है कि यूएस सिटीजन जब कोई निकलता है तो फिर उसके लिए जो रियासते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रियासते मुतहदा अमरीका जो है वो क्या करता है वो भी एक पूरी कहानी है। हमने बड़े मामलात में देख लिया, हमने रामन डेवस के मामले में भी देख लिया, बल्कि अमरीका क्या बरतानिया भी अपने शहरी को अगर कहीं कोई अंगूठे शंगूठे लगवा रहा हो जाली अपने जो है वो अजीज़ और अकारब के मरने के बाद वो भी उन्हें छुड़वा लेता है तो अमेरिका तो फिर बड़ी बात है। तो अब ये केस जो है इसमें एक नया आप मोड़ कहें या आप कहें कि इसमें एक हैरान कुन इंकशाफ ये हुआ है और ये इंकशाफ किया गया है खुद जो है ज़ाहिर जाफर की तरफ से कि वो तो भाई अमेरिकन शहरी हैं और उन पर तो पाकिस्तान के रूल अप्लाई नहीं होते। तो अब आने वाले दिनों में इसमें यूएस एम्बेसी भी इन्वॉल्व होगी, इसमें फिर दफ्तर खारजा भी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी अब आने वाले दिनों में मजीद इसमें मामलात सामने आने वाले हैं। तो ये मामला अब इतना सादा नहीं रहा, ये नहीं कि कोई अरबपति खरबपति शख्स है उसके बेटे ने ये अमल कर दिया है और जी कानून अपना रास्ता बनाएगा और फिर देखते हैं क्या होता है। ये मामला अब बदल गया है, ये अब इसमें जो है वो दफ्तर खारजा इन्वॉल्व होगा, इसमें जी यूएस इन्वॉल्व होगा और पैसा तो आपको पता है कि फैमिली के पास ठीक ठाक है। आज एक और चीज़ हुई कि नूर मुकद्दम के जो वालिद साहब थे वो तकरीबन 9:30 बजे अदालत पहुंच गए और वो सब्ज़ रंग की उन्होंने टाई लगाई हुई थी क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया है, एम्बेसीडर रहे हैं, और सफेद शर्ट थी और वो तकरीबन 5 घंटे तक अदालत में बैठे रहे क्योंकि इनको जो कातिल है ज़ाहिर जाफर इसको 2 बजे पेश किया गया। तो उनकी जो हमारी उनके करीबी ज़राए से बात हुई वो तो ये कहते हैं कि जी
मुझे अपनी बेटी का के कत्ल का इंसाफ चाहिए, जो मेरी बेटी के साथ इतना दर्दनाक सलूक किया गया है, जो मतलब नाकाबले बयान है, वो सलूक किया गया है, उसका मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने अदालतों से इंसाफ लेना है। लेकिन अब खेल जो है वो थोड़ा और मरले में दाखिल हो गया है, क्योंकि अब जनाब ये कातिल जो है ये यूएस का सिटीजन निकल आया, और यूएस की जहाँ पे बात आ जाए फिर बहुत सारे लोगों के पार जलने शुरू हो जाते हैं, और यूएस सिटीजन हो और फिर अरबपति भी हो तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने ये एविडेंस ले लिए, वो एविडेंस ले लिए, रिवाल्वर बरामद कर लिया, फलां चीज बरामद कर ली, वो जो कपड़े हैं हमारे पास बतौर एविडेंस हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें एक सुपर पावर इन्वॉल्व हो गई है तो ये मामला किस तरफ जाता है ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद पुलिस का भी इम्तिहान है और रियासत पाकिस्तान का भी इम्तिहान है कि एक लड़की, एक जो है वो नौजवान लड़की 27-28 साल की लड़की, उसके साथ ये जो सलूक किया गया, अगर जो है वो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो मतलब इनसिक्योर फील करेंगी। तो ये मामला था, ये मैंने कहा आपको बता दूं, पुलिस ने दलाइल ये दिए, पुलिस ने कहा हमें अभी कुछ जो है वो बरामद करना है इसे कातिल से, और पुलिस ने ये भी कहा कि जी हमें ज़्यादा रिमांड दे, लेकिन दो दिन का रिमांड मिला। अब दो दिन बाद पुलिस क्या रिपोर्ट पेश करती है वो हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन इसके एक पहलू नहीं है कि इसके दो पहलू हैं। एक जंग है अदालतों के अंदर लड़ी जा रही, केस अदालत के अंदर है जब से ये वाक़या हुआ है, और दूसरी जंग या दूसरा केस जो है वो है जनाब आली सोशल मीडिया पे, वो है ट्विटर पे, वो है फेसबुक पे, और ट्विटर और फेसबुक पे लोग कुछ यूट्यूबर्स अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि जी एक किसी लड़की ने ट्वीट किया था इमरान खान के हवाले से कि जी वो कहते थे कि जी कपड़े कम हो तब रेप होते हैं और इस तरह की बात, तो वो उन्होंने उसको जवाब भी रीट्वीट किया, मैंशन करके रीट्वीट किया और कहा कि किसी के घर जाके रातें गुजारना बगैर शादी के ये इमरान खान ने कहा था, तो लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया, हाल दो वो ट्वीट तो डिलीट हो चुका है। लेकिन क्या हमें ये सेब देता है कि एक मकतूला जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई, मतलब जिसके गोलियां पहले मारी गई फिर उसे जिबा किया गया, तो क्या एक मकतूला, हमारे पास हकाइक भी नहीं है अभी, पूरे तरह हकाइक भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इनकी आपस में ब्रेकअप हो चुका था, वो यूएस जाने लगा था तो उसने बुलाया था कि आखिरी बार मिल जाओ, इस तरह की कहानियां भी हैं। तो क्या एक औरत के लिए हमें ये जेब देता है कि हम इस तरह की बात करें? क्या मतलब एक पहले जुल्म हुआ, पहले ज्यादती हुई एक और लड़की के साथ, यानी उसे खत्म कर दिया, जिंदगी का राइट तक छीन लिया गया। इस्लाम तो ये कहता है कि आप किसी मतलब गैर मुस्लिम को भी नहीं मार सकते, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और इंसान से मुराद कोई मुसलमान नहीं है, इंसान से मुराद इंसान है, उसमें तमाम इंसान है जो, तो फिर ये किस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है? मुझे बड़ा मतलब ना इस हवाले से तकलीफ हुई है, मुझे दुख हुआ है, हमें इस तरह की जबान इस्तेमाल कम अज कम नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा ना सेंसिटिविटी को देखना चाहिए। हर वक्त रीट्वीट्स और लाइक्स और जनाब व्यूज और उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और एक मतलब ये नहीं कि हमने अगर हुकूमत को डिफेंड करना है तो हुकूमत गलत भी करे तो हमने इमरान खान को डिफेंड करना है, किसी ने नवाज शरीफ को करना है वो गलत भी करे नवाज शरीफ को करना है, किसी ने पीपल पार्टी को करना है वो गलत भी करे तो उसने पीपल पार्टी को करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। इस रवश में वो जो ट्वीट है, अब वो ट्वीट डिलीट हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जी अवामी रिएक्शन के बाद हुआ, तो मेरे ख्याल में डिलीट करने से बेहतर नहीं है पहले ही सोच लिया जाए अवामी रिएक्शन क्या होगा, पहले ही देख लिया जाए कि आप करने क्या जा रहे हैं, पहले ही आप थोड़ा सा तो सेंसिटिव हो जाएं, थोड़ा सा तो मैच्योर हो के बात करें। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये एक जिंदगी का है, उसका बाप बेचारा सारी उम्र पाकिस्तान को सर्व करता रहा है, आज बुजुर्गी में सबल टाई लगा के जो कभी वो बड़े फखर से लगाता था और जाके बैठता था जनाब दुनिया के वजारत खारजा में, और वहाँ पे अपने मुल्क को जब अम्बेसियों में बतौर सफीर था तो रिप्रेजेंट करता था, वही कपड़े पहन के अपनी बेटी का इंसाफ ले रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी उसको किसने कहा था कि जी रातों को रहे और रास्ते गुजारे बगैर शादी के। तो कम अज कम अगर आप औरत का ख्याल नहीं कर सकते, आपको औरतों से इतनी नफरत है, तो आप उस बुजुर्ग का ख्याल कर लें जिसकी बेटी है, और मेरे ख्याल में उसका ख्याल किया भी जाना चाहिए। वो बुजुर्ग आज 5 घंटे बैठा रहा है
और आपके ट्वीट अगर उस बुजुर्ग की नजर से गुजरे, जो जो लोग ये कह रहे हैं, जो जो लोग ये बयानियां जो है वो चला रहे हैं आगे, अब उनके पीछे कौन है, कौन ये बयानियां चलवाना चाहता है, इसकी इसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। मेरा मकसद ही नहीं है ब्लेम गेम, मेरा मकसद है एक जो मामला हो रहा है उसकी निशानदेही करना। मेरा मकसद ही नहीं है ये कहना कि जनाब फलां के पीछे फलां है और उसने उस एजेंडे के तहत किया। मैं ये नहीं करता, ना मैंने कभी ये किया है। मेरा मकसद है कि एक बाप को इंसाफ लेने में मददगार बने, एक बाप को जो 5 घंटे इस गर्मी में पसीने में शराबूर होकर उस अदालत में बैठा है, उस बाप का साथ दें कम अज कम, ताकि कल कोई बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेने जाए तो उसे पता हो कि लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये नहीं कि उसकी बेटी के किरदार पे ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी जाए। तो बहरहाल मुझे इसमें बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं अब मजीद नहीं कहूंगा, अब तक के लिए इतना ही। अगली क्या डेवलपमेंट होती है वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। अपने ओ सैयद ऑन चिराजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।